वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2017 में आई तेलुगु रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म यानी कि रा रेंडोई वेडुका चुद्दम का, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे नागा चैतन्य, रकुल प्रीत सिंह, संपत और जगपति बाबू। जहां पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आज यानी कि 21 मार्च को दोपहर 12:30 बजे होने वाला है जी सिनेमा पर, जहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है रिश्ते अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। आप में से काफी लोग पूछोगे यूट्यूब पर आएगी या नहीं, तो जवाब है नहीं, फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पर नहीं आने वाली है। जी सिनेमा की कोई भी फिल्म नहीं आती है, तो आप सभी को पता है फिल्म को अगर कोई अनऑफिशियली अपलोड कर दे तो वो अलग बात है। तो फिल्म को देखने के बाद आप सभी को पता है कि तेलुगु वर्जन देखा होगा, तो फिल्म के तेलुगु वर्जन को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं बताने की कोशिश करूं, तो ये फिल्म ओवरऑल मुझे एक अच्छी फिल्म लगी। सच बता रहा हूं, क्योंकि फिल्म की कहानी जो है पुरानी है। जाहिर सी बात है कि फैमिली ड्रामा फिल्म में, मैं काफी बार बोल चुका हूं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो फिल्म की कहानी ओवरऑल थोड़ी सी पुरानी है, पर कहानी को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिया गया है इस फिल्म का, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को एक डिसेंट वॉचेबल या फिर एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म बनाती है। आज से करीब 1-1.5 साल पहले भी मैंने एक फिल्म का रिव्यू किया था, जहां पर मुझे इस फिल्म को देखते वक्त पता चला कि इस फिल्म के काफी सारे सीन्स को उठा उठा कर उस फिल्म में डाले गए थे, और वो जो फिल्म थी एक तरह से एक सस्ती रीमेक थी इस फिल्म की। और उस फिल्म को उस वक्त IMDb पर 9 point something की रेटिंग हासिल थी, पर अभी मैं चेक कर रहा था 7 पर आके गिर चुकी है। तो अगर आपने उस फिल्म को देख लिया है तो उस फिल्म के कंपैरिजन में ये जो फिल्म है बहुत ही अच्छी है, बहुत डिपार्टमेंट में ये जो फिल्म है आपको जरूर इंप्रेस करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट की। तो यहां पर फिल्म के साथ ये हुआ है कि फिल्म का जो सेकेंड हाफ है और फिल्म का जो क्लाइमैक्स पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा है। सच बता रहा हूं, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट हाफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, शुरुआत में शादीवादी का जो माहौल हमें देखने को मिलता है, वहां पर थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है, आपको कुछ कॉमेडियंस देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल शुरुआत के कुछ मिनट्स काफी एंटरटेनिंग होते हैं। पर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे फिल्म रोमांटिक ट्रैक की तरफ बढ़ती है फर्स्ट हाफ में, तो फिल्म जो है हद से ज्यादा रूटीन हो जाती है। और रूटीन के साथ ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग घट रहा हो। हीरो जिस तरह से फिल्मों में मारता है, जिस तरह से लव स्टोरी आगे बढ़ती है, उसी हिसाब से फिल्म की कहानी आगे चलती रहती है, जिसके वजह से फर्स्ट हाफ जो है इतना इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता है। पर उसके बाद जैसे ही फिल्म का सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, वहां पर जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही अच्छा लिखा गया है, साथ ही साथ जो रिलेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, उनके अंदर आपको एक कंटिन्यूअस अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो सेकेंड हाफ है काफी हद तक इंगेजिंग बन जाता है। साथ ही साथ इस फिल्म को एक अच्छी फिल्म बनाने में एक और चीज है जिसका बहुत ही बड़ा रोल है, वो है यहां पर नागा चैतन्य, संपत और जगपति बाबू की परफॉर्मेंस। इन तीनों ने इस फिल्म में जो काम किया है बहुत ही अच्छा है, और इस फिल्म के हिसाब से तीनों का रोल जो था मुझे काफी पसंद आया। इसके अलावा इस फिल्म के सेकेंड हाफ में आपको नागा चैतन्य और रकुल प्रीत सिंह के साथ में एक बीच पर एक सीन देखने को मिलता है, बहुत ही लंबा सीन है, तो वहां पर नागा चैतन्य की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी। ऐसा ही सेम आपको उस रीमेक में भी देखने को मिलता है, और वहां पर जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही बेकार थी, पर यहां पर रकुल प्रीत सिंह और नागा चैतन्य दोनों का ही काम काफी अच्छा है, और वो सीन मुझे काफी पसंद आया इस फिल्म का। इसके अलावा फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। फिल्म के क्लाइमैक्स को एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत ही इलॉजिकल वे में ना खत्म कर दिया जाए, पर कहना चाहूंगा फिल्म के क्लाइमैक्स को अच्छी तरह से और सेंसिबल वे में खत्म करने की कोशिश की गई है। मतलब आप समझ लो एक फैमिली ड्रामा फिल्म में जिस तरह से क्लाइमैक्स खत्म होता है, उसी वे में पर एक सेंसिबल तरीके से फिल्म के क्लाइमैक्स को यहां पे खत्म किया गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म में जो इमोशनल सीन्स आते हैं उन्हें काफी अच्छी तरीके से लिखा और डायरेक्ट किया गया है, जिसके वजह से एटलीस्ट एक फैमिली ड्रामा में जो एक फील आनी चाहिए एक फिल्म के अंदर, वो हमें अच्छी तरीके से यहां पे देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें गानों की, तो फिल्म के गाने काफी अच्छे हैं, पर बहुत ही ज्यादा हैं, और कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि गानों की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी गानों को डाला गया है। पर उसका एहसास आपको हिंदी डब वर्जन में होगा नहीं, क्योंकि हिंदी डब वर्जन में गाने होते ही नहीं है। बाकी बात करें एक फैमिली ड्रामा में कॉमेडी की भी जरूरत होती है, अक्सर देखा जाता है, तो कॉमेडी में कहूंगा कि शुरुआती कुछ पोर्शंस में काफी सारे कॉमेडियंस आपको नजर आएंगे, थोड़ा बहुत हंसाते हैं, बाकी फिल्म के दौरान आपको वेनिला किशोर नजर आने वाले हैं, जिनके काफी सीन्स में आपको हंसी आएगी, अच्छे सीन्स हैं, थोड़ी बहुत हंसी आपको आ जाएगी। तो ओवरऑल कहूं तो रा रेंडोई वेडुका चुद्दम या फिर कहें रिश्ते अ ग्रैंड सेलिब्रेशन एक अच्छी देखने लायक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसको आप एक बार जरूर देख सकते हो। फिल्म का सेकेंड हाफ और क्लाइमैक्स आपको पसंद आएगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।